बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में आज अपन सेकेंड पेपर भारतीय राज व्यवस्था की के नए टॉपिक को शुरू करेंगे। सेकेंड पेपर के अंदर, भारतीय राज व्यवस्था के अंदर, अभी तक अपने पहली इकाई में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में विस्तार से देखा, और साथ में उनके विभिन्न चरणों को, और साथ में जो भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में जो दो प्रमुख सोपान रहे, 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, इनको ही विस्तार से प्रावधान सहित देखा है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के विकास को जो लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने वाला कदम था, यानी भारतीय संविधान निर्माण की कहानी, भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन इत्यादि, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। देखिए, यूं तो भारत के संविधान के विकास की कहानी, जैसा कि मैंने कहा, ब्रिटिश काल में कुछ लोग तो उससे पहले भी ले जाते हैं, कि ये कहते हुए कि कभी भी, जब भी भारत में शासन रहा, चाहे वो अलग अलग प्रांतों में, रियासतों में रहा हो, तो वहाँ नियम कायदों का एक संग्रह तो था, लेकिन ब्रिटिश भारत में 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से शुरू होकर ये जो कहानी है, ये बाद में 1946 में संविधान सभा के गठन के साथ उसकी परिणति होती है। 1919 1909 का मॉर्ले मॉन्टो मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 का मॉन्टफोर्ट सुधार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी दिशा में एक बढ़ते हुए कदम थे। अब भारत के संविधान सभा का गठन और भारतीय संविधान निर्माण की कहानी कुल मिलाकर इस बात को इंगित करता था कि स्वतंत्र भारत का संविधान होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत जब भी होगा तो उसका शासन भारतीयों के द्वारा बनाए गए कानून और संविधान के हिसाब से ही चलेगा। इसलिए संविधान सभा की गठन हुई थी। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा की मांग स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कैसे कैसे। सबसे पहले इसकी एक झलक मिलती है 1895 के तिलक के स्वराज विधेयक से, और ये वाकई में बहुत ही एक तरह से विजनरी उनका विचार था, कि 19वीं शताब्दी के अंत तक ही उन्होंने ये सोच लिया था कि भारत का संविधान भारत के लिए, भारतीयों के द्वारा होगा। उस स्वराज विधेयक में ये इस बात की स्पष्ट छाप झलक मिलती है, और बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने स्वराज का भी एक नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे। तो वो स्वाधीनता, स्वराज, स्वशासन और अपना संविधान, ये तिलक का एक प्रतिपादन 1895 का हमको देखने को मिलता है। बाद के वर्षों में जैसे जैसे 1909 1919 का एक्ट फेल हुआ, उसके बाद गांधी जी ने भी 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, इच्छा के अनुरूप होगा, आकांक्षाओं के अनुरूप होगा, तो संविधान को वो विजुअलाइज कर रहे थे, और ये भी सोच रहे थे गांधी जी कि ये संविधान ऊपर से थोपा हुआ, औपनिवेशिक शासन के द्वारा थोपा हुआ नहीं हो सकता, ये भारतीय के द्वारा ही बनाया जाएगा। और इसलिए इसलिए जो भारत का संविधान था, वो उसके बारे में गांधी जी ने चर्चा करी थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस नेहरू रिपोर्ट में भावी भारतीय का संविधान, जिसको साइमन आयोग ने चुनौती दी थी कि भारतीयों के पास शासन करने की कला नहीं है, उनके पास अपना संविधान निर्माण की क्षमता नहीं है, तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट ने एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। बाद में 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो मौलिक अधिकारों का भी स्पष्ट रूप से उसकी घोषणा, उसको प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और फिर बाद में 1936 में लखनऊ कांग्रेस में, अधिवेशन में, कांग्रेस ने औपचारिक रूप से एक संविधान सभा के प्रस्ताव को पारित किया, जिसको बाद में फैजपुर अधिवेशन 1937, 38 हरिपुरा अधिवेशन में पुनः दोहराया गया। 1940 में क्रिस्प प्रस्ताव आया, और 1942 में 1940 में जो 1942 में क्रिस्प प्रस्ताव आया, 40 में पाकिस्तान की घोषणा हुई, पाकिस्तान की मांग की गई लाहौर में,
मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये स्पष्ट होने लगा कि मुस्लिम लीग अब ये चाहती थी कि अलग देश बने और दोनों के अलग संविधान बने, हालांकि उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई। अंततः 1946 में कैबिनेट आयोग, जब ये तय हो गया था कि भारत को आजादी दे दी जाएगी तो भारत का संविधान कैसे बने, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने तब एक भारत में कैबिनेट आयोग को भेजा, कैबिनेट मंत्रिमंडलीय समिति को भेजा, और जिसने दो काम बड़े किए, एक तो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और दूसरा संपूर्ण भारत के लिए, एकीकृत भारत के लिए एक ही संविधान सभा के गठन की घोषणा की। भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित हुई और संविधान सभा के बारे में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई। पाकिस्तान की मांग अस्वीकार करने, पाकिस्तान के अलग अलग संविधान सभा की गठन करने की मांग खारिज करने के कारण मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए एक संविधान सभा के गठन का सुझाव प्रस्ताव दिया। इस संविधान में, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से और शेष 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होने थे, और लगभग 10 लाख की संख्या पर, जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का नियम अपनाया गया। प्रांतों को ये संख्या जो है अलग अलग उनकी जनसंख्या के अनुपात में दी गई। मतदाताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, साधारण यानी दूसरा मुसलमान यानी कि पृथक निर्वाचन, और सिख, है ना, पंजाब में सिर्फ सिखों के लिए, सिर्फ पंजाब में, और फिर इस तरह से ये बटा। और फिर ये भी हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से तो निर्वाचन नहीं हो सकता, तो कुल मिलाकर जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनके सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के जो 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के, उनके निर्वाचन का सिद्धांत पारित हुआ, प्रतिपादित हुआ, और ये इस तरह से 1946 में 296 सदस्यों के लिए जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, 208 सीटें कांग्रेस को मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट ही मिली कुल मिलाकर, और बाद में और छोटे छोटे दल बाकी सीटें ले गए। 9 दिसंबर को, यद्यपि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक में अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 तारीख को जो है जो संविधान सभा की पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, और 11 दिसंबर को उसमें अध्यक्ष के रूप में, स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजीव प्रसाद का चुनाव हुआ, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, और उसी वही उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से भावी भारतीय संविधान या संविधान सभा के समक्ष एक ऑब्जेक्टिव के रूप में रहा, उसी को एक मार्गदर्शन मानकर, भावी रूपरेखा मानकर संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण हुआ। यद्यपि इसी बीच जो देश का बंटवारा हो गया, देश का बंटवारा हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को, और इसके बाद संविधान निर्मात्री सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई थी, जिनमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 जो है वो देशी रियासतों के लिए निर्धारित रह गई, है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर संविधान सभा का गठन और संविधान का पूरा प्रारंभिक स्वरूप था। संविधान सभा में हम जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो एक बहुत बड़ा एक बीकन लाइट बना, एक एक ऐसा मार्गदर्शन करने वाला एक ये बड़ा दस्तावेज बना, जिसके आधार पर मौलिक अधिकार से लेकर संघवाद से लेकर पंथ निरपेक्षता तक ये बहुत सारी बातें जो है वो उसी आधार पर संविधान सभा में सदस्यों ने इस पर विचार किया और इसका निर्माण किया। 24 जनवरी 1947 को, और ये जो है जो उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, यानी उसी के आधार पर भावी भारतीय संविधान के निर्माण की स्वीकृति, सहमति प्रदान की गई।
24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर एच सी मुखर्जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किया, और संविधान सभा ने कुल मिलाकर समितियों के माध्यम से काम किया। और ये प्रमुख समितियां जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति।